उस सीन में आप लोगों को काफी टेंशन में देखा गया है, किस चीज की टेंशन हो रही थी? वेल, टेंशन तो इस बात की है बिकॉज हमारे जो आगे ट्रैक्स आने वाले हैं, इट्स कॉल्ड ममाज बॉय एंड वी ट्राइंग टू सॉर्ट दैट, यू नो, दिस दिस बॉय कम्स अप एंड ही इज़ एक्चुअली माय स्कूल फ्रेंड एंड वो लंदन से आता है. तो मैं उसे बोलती हूँ और यू नो, मैं जब उसे देखती हूँ तो ही इज़ टोटली चेंज, ही इज़ प्रॉपरली लाइक अ ममाज बॉय. मम्मा ये बोलेगी तो वो यही करेगा. तो यू नो, ऐसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऐसे बॉयज बहुत ही कम होते हैं. बट आई लव ममाज बॉय, ऐसी बात नहीं है. बट या आई मीन, कोई ऐसे लड़के होते हैं जो मम्मा बोलेगी कि ये करना है तो यही करना है. दैट यू नो, समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ लाइफ टू. तो आई थिंक हम ये अवेयरनेस बोलूँगी या बोलूँगी कि, तो हाँ, सीन में जैसे आप देख सकते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ममाज बॉय का रोहित कम्स एंड उसको एक गाने का शौक है. तो वी आर लिटिल टेंस दैट हम इसकी मोम को कैसे बताएंगे कि इसके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है. तो बस वही थोड़ी होच पोच चल रही है ऑफिस में. तो आप लोगों को कुछ प्लान सोचा? यस, हमने एक प्लान बनाया है आफ्टर प्लान्स आफ्टर प्लान्स, बिकॉज बॉयज़ तीनों लड़कों को बोलते हैं कोई ऐड लेके आने के लिए और हमारा असाइनमेंट होता है कि कोई म्यूजिकल ऐड बनाएंगे हम. तो बॉयज़ कोई म्यूजिक बनाते हैं एंड हमें बाद में जाके पता चलता है कि वो रोहित ने गाया है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हाट आई अप्रिशिएट एंड आई थिंक ओ गॉड, ये आवाज़ तो तुम तीनों की है ही नहीं जो हमारे बॉयज़ हैं, उनकी तो ये होती ही नहीं है. तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उसकी मॉम भी बैठी हो एंड देन वील प्ले द म्यूज़िक एंड देन मॉम अप्रिशिएट्स द सॉन्ग एंड देन लेटर ऑन वी टेल हर दैट इट्स योर सन. तो ड्रामा थोड़ा चल रहा है. क्या लगता है उसकी मॉम जो है वो मान जाएगी? आई डोंट नो, वो आप लोगों को देखना है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.